अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आज हम बात करेंगे जी दुबई ने टूरिस्ट वीज़ा, 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा मल्टीपल एंट्री के साथ जो लॉन्च किया है, तो वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। पहले जो दुबई का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा होता था वो 1 माह का या 3 माह का, 1 मंथ 3 मंथ का होता था। वो भी आप उससे अप्लाई नहीं थे कर सकते, वो भी आपको किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता था, फिर जाके आपको दुबई का विज़िट वीज़ा मिलता था। लेकिन अभी जो दुबई ने 5 साल का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा निकाला, उसमें आप खुद डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और जिसका लास्ट में बैलेंस जो होना चाहिए वो $4,000 के बराबर होना चाहिए। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तो अपनी करेंसी के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट, उसके बाद जो दुबई में आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए वो आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए पीडीएफ फाइल में। जब आपके पास पीडीएफ फाइल में आपके पास होंगे तो आप डायरेक्टली आईसीए की वेबसाइट में जाके आप 5 साल टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आप अपनी फाइल, जैसे ही वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन पूछेगा, आपने स्टेप बाय स्टेप आपने इंग्लिश में अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, वो तो अरबी में आपको खुद ही साइट पे आपको नज़र आता जाएगा, वो कन्वर्ट करता जाएगा। तो इंग्लिश में जैसे ही आप पहले अपना पासपोर्ट अपना सब कुछ देंगे, उसके बाद वो आपके से प्लान भी पूछेगा कि आप जो अभी लेटेस्ट जो फर्स्ट विज़िट आप दुबई में करना चाहते हैं तो वो कब करेंगे। तो वो आपने 15-20 दिन जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो वो 27-28 दिन का बाद रख लें, कोई भी आप प्लान दे दें। उसके बाद वो आपसे पूछेगा एक और, इसमें अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो वो पूछेगा कि आपका दुबई का एड्रेस नंबर क्या है, अब वो एड्रेस क्या है। तो आप जौन सा भी होटल बुक करेंगे या आपका कोई रिलेटिव्स दुबई में मौजूद है तो आप जो है वो उसका एड्रेस दे सकते हैं, वो फिर आपसे नंबर मांगेगा। अगर आप होटल बुक कर रहे हैं तो आप गूगल पे उस होटल का नाम लिखेंगे तो होटल का एड्रेस भी निकल आएगा और उसका फ़ोन नंबर भी निकल आएगा, आप वो फ़ोन नंबर और वो दे सकते हैं एड्रेस, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद आप इजीली आप सबमिट करेंगे तो आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और कोई भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। जब भी आप साल में एक दफ़ा जब आप आएंगे तो आप 90 दिन स्टे कर सकते हैं। तो 90 दिन आप 90 दिन स्टे करने के बाद अगर आप मज़ीद रहना चाहते हैं तो वो 90 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस वीज़े की जो कॉस्ट है वो है 660 दिरहम, वो आपसे काटेंगे। ऑनलाइन ही आपने पेमेंट करनी है, आईसीए की वेबसाइट पे ही आपकी पेमेंट भी हो जाएगी। लेकिन सब ये डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, दुबई की वैलेट आपने वो किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। ये आपको 5 साल का मल्टीपल, जैसे आप 3 माह का वीज़ा लेते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो उससे अच्छा है कि आप एक दफ़े ही 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दुबई का ले लें। अगर आप 3 माह का कोई बंदा ले कर आता है या 1 माह का ले कर आता है तो वो एक दफ़ा ही सिंगल एंट्री होती है, लेकिन 5 साल में मल्टीपल एंट्री के साथ आप वीज़ा ले सकते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 660 दिरहम है। और पीडीएफ अगर आपके पास मौजूद है, नहीं तो आप किसी भी आप बाय फोटोकॉपी या वाली शॉप पे जाएं तो वो आपको पीडीएफ कर देगा। अगर आपसे नहीं हो रहा कोई भी किसी भी ट्रैवल एजेंसी से जाके आप करवा सकते हैं, वो 1,000, 2,000, 3,000 पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ वो आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा। लेकिन अगर आप खुद कर सकते हैं, आपके पास पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और आईसीए की वेबसाइट पे जाके आप तो 5 ईयर्स मल्टीपल टूरिस्ट एंट्री जो वीज़ा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये देख रहा था, अभी अपडेट आई थी तो मैंने आप सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़। Thank you.